कहना क्या चाहते हैं मालवीय जी, आप कटघरे में आ गए हो। अब हमारे पास तीन है, हमें उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा खाना देना, अच्छी लाइफस्टाइल देनी। और लड़कियां, लड़कियों से क्या मतलब, लड़कियों से क्या मतलब मालवीय जी? हम गीत का ऑटिज्म का भी टेस्ट करवा चुके हैं। रीत रीत देखो मूंछ बन गई आपकी। तो भैया ये मीत दीदी, और मीत दीदी को लग रही है बहुत तेज भूख। ये इतना मौका भी नहीं दे रही है मम्मी को कि मम्मी इनके लिए बना के लिए। क्या हुआ रचना ने चोट हो गए। रचना ने क्या कर दिया कि खिचड़ी में ना अजवाइन डाल दी जीरे की जगह। टेस्ट कैसा हो जाएगा अजवाइन से, थोड़ी कुछ होगा। नीचे नीचे का दे दे। नहीं मैं अभी नहीं खा रहा। तुम्हारी लाल पीली आँखियाँ। तो इनके साथ ऐसा एंगेज करके रखना पड़ता है जब तक रचना किचन में है, खाना वाना बन जाए, बच्चों की बोतल है, दूध है, उसको प्रिपेयर कर ले। भैया मीत का डांस देख लो आप तो, बस मीत डांस कर। गाना बंद हो गया, मीत सबसे ज्यादा डांस करती है ये। ये देखो फ्रेंड, ये मेरे साथ भी ऐसी करती, पापा के साथ भी वही कर रही। मीत, मैंने खुद बोला कि मीत को मैं गोद नहीं ले पा रही, आप ले लो। तो मीत को लिया और ये आ गई, वहाँ खेल रही थी वहाँ से। अभी आपको भी लेंगे ना, आपको ये किसी को लेने ही नहीं देती, चुपके से ये आ जाएगी और दूसरा बच्चा नीचे। ये क्या करती है, कहीं भी होगी जैसे गोदी में है तो वो आएगी और पकड़ लेगी। अब बेचारी वो दूसरे को आने देती, गीत को भी नहीं आने देती। ऐसा नहीं है कि गीत के साथ, मीत के साथ ही गीत भी गोदी में आ जाएगी और धक्का देगी। मुझे ले लो उन को, मतलब क्या हुआ इसीलिए दिन में बहुत प्रॉब्लम आने लगी ना, उसे मैं फीड करा पाती हूँ ना, सुला पाती हूँ, जब तक ये नहीं सोती हूँ ये बहुत परेशान कर रही। इनको नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, शाम को गोदी कोई नहीं लेगा, खाना खा लिया गोदी वोदी नहीं लेंगे। जूस किया जा रहा है, पी रहे हो? पापा आए मम्मी को देखे, मूंछ बन गई। मीत रीत रीत देखो मूंछ बन गई आपकी। रीत कहाँ है आप? तो दोस्तों आज भी गन्ने का जूस पिया मंदिर से आने के बाद। आज बर्फ नहीं था तो पिला दिया उसको। तो गर्मी आ गई तो हम घूम फिर के आ जाते हैं रोज मंदिर जाते हैं। अच्छा है ना मालवीय जी, मैं दिन में घर में, आप समझ सकते हैं ना फ्रेंड, मैं बाहर जा पा रही हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है, गीत को भी अच्छा लग रहा है। मैं तो कितनी बंधी हुई थी, ब्लॉकेज खुल रहा है। एस्ट्रोलॉजी के पैरेलल एक वर्ल्ड है, एंजल वर्ल्ड क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? ओकल्ट साइंस में ब्लॉकेज हो गए थे। चलो आप कहोगे ये टी शर्ट मेरे से चिपक गई है। अब मैं क्या होता हूँ, जैसे मैं ऑफिस आए, मैं ऑफिस से आता हूँ सेम टी शर्ट पहन लेता हूँ, क्या जा रहा है? क्या हो गया? कितने अच्छे लगते हो तुम, शांत बैठे रहते हो यहाँ पे, मस्ती नहीं करते। देखो चोटी बांधी थी पीछे रचना ने। ये क्या लेकर आएगी? अच्छा ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है मम्मी की तरह। आवाज कैसे करती करके दिखाना एक बार और। इसके हाथ में डम्बल से उसको ऐसा लग रहा है। ये कैंडल से लाई रचना कुछ करेगी अभी। आपको भी चाहिए? ओके आपको भी दिला देंगे बस। ये आप ही की तो है बेटा, मम्मी को तो अपन दे देंगे उधार, है ना? नहीं आपको नहीं मिला देंगे और ठीक है। दीदी खाना खा लिया आपने? पापा उधर कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों हमने कुछ चेंजेस किए हैं, देखा आपको दिख रहा होगा, इसलिए किया कि थोड़ा सा एरिया जहाँ पे ज़्यादा हो जाए, बच्चे खेल सके, और कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए जैसे रचना का कहना है। हाँ तो वही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दवाइयों के बीच में जो घड़ी दिख रही है, जो आपको बता रही है 11 बजे हैं, ये 11 बजे हैं रात के। और इस घर के परिवार के सदस्यों को देखिए, 1 2 3 4 5, क्या कोई भी ऐसा लगता है आपको कि आधा एक घंटे में सोएगा? किसी की भी शक्ल देख के आप नहीं कह सकते कि कोई भी सोने की मुद्दा। टेबल क्लॉथ गिरा दिया है सब, ये खेल रहे हैं, लड़ते हैं एक ही खिलौने के लिए ना, ये सोने वाले हैं डेढ़ घंटे से। क्यों छुड़ा रही यार, हद हो गई यार, गीत आप तो दे दो बेबी को। नहीं ये दीदी सोएंगी, दीदी ने छुड़ा, और ये तो सोते ही नहीं 4 बजे तक, तो इनका तो पूछ ही नहीं सकते आप। मुझे 2 दिन हो गए दोस्तों, एक दिन तो 5 बजे सोया, एक दिन 5 बजे उठ गया हूँ, तो मैं दूध जगही, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा नींद। लेकिन सरप्राइज वाली बात ये है फ्रेंड्स की मैं जब उठती हूँ, क्योंकि मैं तो उठती हूँ, तब मालवीय जी सोते रहते हैं, पर मालवीय जी के अकॉर्डिंग मालवीय जी सोते नहीं।
ये उनका पुराना है फ्रेंड्स, मैं शादी करके आई थी तो मतलब ये 2-3 साल सोते ही नहीं थे रात में, मुझे करवट लेने में भी डर लगता था यार कि बंदा उठ ना जाए, हमेशा उठ रहते थे। फिर मुझे पता चला कि इनको टेंशन है कि घर लेना है, घर लेना है। फिर जब हमने ये घर लिया था ना, गीत हुई थी इस घर में लेने के 15 दिन बाद, फिर ही अच्छे से सोते थे, फिर 1-2-3 साल ही अच्छे से सोए, लेकिन मतलब फिर उठते ही नहीं थे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब 1.5-2 साल से ऐसा हो गया, इन बच्चों के होने से पहले ही हो गया है कि फिर इनको टेंशन होने लगी। अब आप किस बात की हो रही, अब तो समझ में आता है, क्योंकि मुझे पता है अपनी लाइफ में पैसों की टेंशन कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे भी 1 साल से हो रही, क्योंकि ऐसा नहीं है बच्चे कर लिए या बच्चे, आप लगता है ना कि देखो भगवान ने बच्चे दिए सब, मुझे बच्चे एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, लेकिन एक आप भगवान ने आपको 3-3 मतलब 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी दी है, जिसे आपको बखूबी निभाना है, बहुत अच्छे से निभाना है। ऐसा नहीं अरे अपने आप पल लेंगे, रूखा सूखा खा, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे रूखा सूखा अच्छा, खा लेंगे। स्कूल में करना है अभी, स्कूल की टेंशन दोस्तों, अभी फीस देख के आए दो स्कूल में, कल हम गए थे तो बहुत फीस इतनी है, और ये तो फिर भी हम बहुत बड़े स्कूल नहीं गए, बड़े बड़े स्कूल में तो लाखों की फीस है। इसीलिए शायद आज की डेट में सब लोग सिंगल चाइल्ड का फंडा अडॉप्ट कर रहे हैं, मेन रीजन एजुकेशन ही है, इतनी महंगी एजुकेशन होगी, सब चाहते हैं हमारा बच्चा क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है तो अच्छी एजुकेशन ग्रहण करे, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, सिंगल चाइल्ड को अच्छे से अफोर्ड करा सकते हैं एजुकेशन। अब हमारे पास 3 है, हमें उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा खाना देना, अच्छी लाइफ स्टाइल देनी, और लड़कियां हैं, लड़कियों से क्या मतलब है, लड़कियों से क्या मतलब, उनको सुपीरियर बनाना है, उनको सुपीरियर मतलब की सॉरी, उनको एक अच्छी परवरिश देनी है, और वो तो लड़का होता तो भी देनी होती। नहीं, नहीं, कहना क्या चाहते हैं मालवे जी, आप कटघरे में आ गए हो, सुना तुमने, सुना तीनों ने, पापा ने कहा लड़कियां हैं इसलिए, लड़कियां हैं इसलिए मुझे ज्यादा जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे ज्यादा टेंशन होती है, क्यों लड़कियां यार, मैं बीइंग अ फादर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी परवरिश, लड़का तो होता है चलो ठीक अच्छा, है अच्छा। लड़कियों को मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मालवीय जी क्या कहना चाहते थे, बीइंग अ फादर क्या है उनके मन में, आप इतने सालों से या इतने महीनों से हमारे दहेज की चिंता हो रही है, व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो शायद आप लोग भी मालवीय जी को समझ गए होंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि मालवीय जी के दिमाग में, मन में तो कुछ नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है कि लड़कियां हैं इसीलिए ज्यादा टेंशन हो रही है। दोस्तों ये है कि मैं लड़का था, मैं जैसे बढ़ गया, पढ़ लिया, हो गया, चलो काम चलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़कियों को वैसा, क्योंकि लड़कियों मतलब कि एक बहुत स्पेशल कुदरत की बनाई हुई चीज होती है, ऐसे ही नहीं थोड़े तरका देना चाहिए कि छोटा स्कूल भी चलेगा, थोड़े कम ब्रांड के कपड़े भी चलेंगे, ये दूसरों का, मैंने तो दूसरों कपड़े पहने 10वीं 12वीं तक, मतलब मेरे जो मौसी आई थी अभी, जो रजनी दीदी आई थी, उनके 2 भाई भी हैं, राजू भैया राजेश भैया, उनके ही कपड़े पहने, हालांकि भाई थे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों ने ऐसा हो कि दूसरों कपड़े उतरे पहने, बस ऐसा है, बाकी तो कुछ नहीं है, उसलिए थोड़ी सी पता नहीं टेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड जब ये सोएंगे तब का मैं आपको टाइम बताऊंगी, मैं सोच रही आज आपको बता ही दूं, है ना, क्योंकि मैं इतना कोशिश करती हूँ, मॉर्निंग में अगर मैं उठ भी जाती हूँ 6 बजे तो ये कि दोनों बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकते, फिर मुझे मालवीय जी को उठाना पड़ेगा कि आप अंदर सो तो मैं घर का काम करूं, और मालवीय जी को उठाने में इसलिए डर लगता है कि अगर मैंने उठाया, जैसे ही मैंने कहा आप 1 मिनट मेरे को वॉशरूम जाना, उठ जाऊ, मैं अब भी सोया था, अब भी नींद लगी थी, इतनी प्यारी नींद लगी थी, अब भी लगी थी, बस अब भी तो लगता है मैं क्या, एक दिन इसलिए पता नहीं कब उठाया, मैं 5 बजे सोया ही था। ऐसे ही कहते हैं, हमेशा ऐसे कहते हैं, मुझे वॉशरूम जाने में डर लगता है, भगवान ये उठना जाए, एक दिन तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि रात यार क्या सोच रहा हूँ कि यार सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेला क्यों जग रहा हूँ, कितनी अच्छी होती है ना रात, फिर निकलती क्यों नहीं है रात, कितना मोबाइल चलाऊं, फिर मुझे बता दो अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती तो आपको उठाऊं कि अंदर सो जाऊं, मुझे डर ही लगता है आपको उठाने में। दोस्तों मुझे आंखें अब इसलिए हो सकता है भरी भरी लग रही हूँ, नींद नहीं आती है, जब हाँ ऑपरेशन के बाद नींद अच्छी आई, क्योंकि दवाइयां थी, नशा था, इतनी प्यारी नींद आती थी, मतलब मैं बात कर रहे लोग मैं सो जाता था, मुझे वैसी नींद वापिस चाहिए यार, मैं सच में बहुत तरस रहा हूँ अच्छी नींद की। कौन जीता ये जीता, नहीं मैं जीता, गीत सब पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है,
दोस्तों अगर आप हो सकता है गीत को हम ज्यादा नहीं दिखा रहे तो आपको पता है गीत की वोकैब एक दो महीने में बढ़ी है। गीत की तो वोकैब बहुत बढ़ गई है लेकिन प्लस प्रोनाउंसिएशन की। लोग कह रहे थे कि मनोज भैया एक कमेंट था कि बुरा ना मानना, मैं बुरा नहीं माने कि गीत पे भी आप ज्यादा ध्यान दो। गीत अब क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई है, बड़ी हो गई है और बोलती बहुत ज्यादा है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते कुछ भी बोल रही होती है, कैसे मुंह बना रही होती है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। इसका रीजन है फ्रेंड्स, वो बहुत है बच्ची है कुछ भी वो, मैं ये नहीं कह रही कोई गलत है, अच्छा पर वो कर रही नहीं है। नहीं कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि तारे जमीन के दर्शन, इसीलिए मैं हम गीत की मस्ती हमने दिखाना हाँ, थोड़ा क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि किसी का लिखने का इंटेंशन गलत है। मुझे एज अ माँ बुरा लगता है कभी मेरे बच्चे के लिए कोई लिखता है तो, क्योंकि बहुत ध्यान देते हैं। मैं आप मानेंगे नहीं, गीत कई लोग बहुत कुछ लिखते हैं, मैं उन पर ध्यान देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों की बातें निगलेक्ट कर रही हूँ। एक दो साल से हम गीत का ऑटिज्म का भी टेस्ट करवा चुके हैं हम जाके, जब गीत 3 साल की थी, अभी गीत 4.5 साल की है, 3 साल में तब भी हम जाके टेस्ट करा सकते, तब उन्होंने सब इसकी जो मोटर स्किल्स होती सब देखा था, इसको सारे कलर्स आते थे, इससे जो जो चीजें पूछी बताई, मतलब उस टाइम इसको, अभी क्या फ्रेंड्स 1.5 साल से मैं इसकी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। तब वो थोड़ा बहुत बोलने भी लगी थी और तब उनने जितनी भी चीजें, उनका जो होता है ना चेकलिस्ट, सब पे करेक्ट था, सिर्फ बोलने में डिले था, बाकी सब करेक्ट था। तो उन्होंने कहा इसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आता है ना ऐसा तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और एक कमेंट आया था, वो बुरा नहीं लगा, वो तो इन्फॉर्मेटिव कमेंट ही था कि आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर से पूछिएगा, आपकी बेटी W शेप में बैठती, वो जो बैठते हैं ऐसे करके तो W बनता है। हमें इसके बारे में नहीं पता था। अरे यार ये बाल बहुत खींचती यार, तो मैंने पता किया तो क्या बच्चों के ये ऐसा पूछा भी डॉक्टर से, तो वो उन्होंने कहा हम टोको, बच्चे को अच्छा लगता है वैसे बैठना, इसलिए ये बैठ जाती, बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप टोको। तो गीत जब भी बैठती है उस पोजीशन में हम मना करते हैं, उसे बोलते हैं अपने लेग्स फोल्ड करके जो आलती पालती होती वैसे बैठो। तो गीत ऐसे से कुछ मस्ती वगैरह करती है तो थोड़ा सा डर लगता है दिखाने में कि उसको ऐसे कमेंट ना आए उसके लिए। मजबूरी में हमको देखनी पड़ रही है एक वेब सीरीज, 12:05 में नोचे जा रहे, बाल बांध लिए, बाल खींचते रहते हैं दोनों के दोनों। ओ मैडम जरा खेल लोगे तो गुस्सा हो जाती है, क्या करो आप सोएंगे 12:30 तक सुलाओ।